गुजरते वक्त के साथ सुशांत की मौत की मिस्ट्री उलझती जा रही है। 44 दिन तक मुंबई पुलिस इस संदिग्ध खुदकुशी के केस में नतीजे तक नहीं पहुंच सकी है। आज हम सुशांत की मौत की उलझती मिस्ट्री की हर वो गांठ दिखाने वाले हैं जो सुशांत को इंसाफ दिलाने में रुकावट बन रही है। और आज हम आपको दिखाएंगे 10 गवाहों के साथ 20 सवाल और सबूत जो इस मिस्ट्री को सुलझाने में अहम साबित हो सकते हैं। वो 14 जून की तारीख थी जब सुशांत की खुदकुशी ने फिल्मी दुनिया को सन्न कर दिया था। पहले दिन से ही सुशांत की खुदकुशी पर पहले संदिग्ध मौत के सवाल उठने लगे और फिर हत्या तक की थ्योरी सामने आ गई। मुंबई पुलिस ने सुशांत की मौत की तफ्तीश शुरू की थी और 44 दिनों तक मुंबई पुलिस की जांच में दर्जनों लोगों और गवाहों के बयान लिए गए, लेकिन अब बिहार पुलिस को नहीं मिली रिया चक्रवर्ती। बिहार पुलिस को दिख नहीं रहा शौविक चक्रवर्ती। बिहार पुलिस को सिद्धार्थ पिठानी नहीं मिला। बिहार पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली। बिहार पुलिस को सुशांत के गायब सामान नहीं मिले। सुशांत की मौत का सच पता लगाने की मुहिम में हर गुजरते वक्त के साथ इतनी गांठें पड़ती जा रही हैं जिन्हें सुलझाना बिहार पुलिस के लिए आसान नहीं होगा। मसलन, सुशांत की मौत के बाद के प्रथम दृष्टिया सबूतों की सच्चाई पर उलझन है। सुशांत के लापता अहम दस्तावेजों की उलझन है। सुशांत के गायब सामानों की उलझन है। सुशांत की बीमारी के सच की उलझन है। सुशांत के खाते पैसों की उलझन है। सुशांत के रिश्तों की उलझन है। ये उलझनें इसलिए बढ़ती जा रही हैं क्योंकि सुशांत की मौत को असामान्य मौत बताने वालों की तादाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। पहले सुशांत के परिजनों ने ही सुशांत की खुदकुशी पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन अब सुशांत के परिवार से लेकर तमाम ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने सुशांत की मौत पर सवाल उठाए हैं। सुशांत के पिता ने FIR में कई बड़े तथ्य रखे हैं। सुशांत की बहन ने कुछ सबूत दिए हैं। सुशांत की पूर्व प्रेमिका ने सवाल खड़ा किया है। सुशांत के बॉडीगार्ड ने खुलासा किया है। इतना ही नहीं, सुशांत के मित्रों परिचितों ने तमाम ऐसे सबूत दिए हैं जिससे सवाल उठता है कि सुशांत सिंह राजपूत जैसी शख्सियत अचानक खुदकुशी कैसे कर सकता है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर अहम सवाल सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाए हैं, जिनके जवाब तलाशे जाएं तो सुशांत के गुनहगारों का पर्दाफाश हो सकता है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत का सच टुकड़ों टुकड़ों में बाहर आता दिख रहा है। मुंबई पुलिस की जांच से लेकर बिहार पुलिस की पड़ताल तक इस मिस्ट्री के जितने भी राज हैं वो आज हम आपको दिखाने वाले हैं। आज हम आपको सुशांत की मौत पर गंभीर सवाल उठाने वाले 10 गवाहों, 20 सवालों और सबूतों को भी पेश करेंगे, जिससे आप समझ सकेंगे कि सुशांत की मौत के पीछे कैसी साजिश है, क्या है सच्चाई और वो कौन लोग हैं जो सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। जी हाँ, बने रहिए आप न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुशांत के दोस्त, उनके स्ट्रगल के वक्त के रूम पार्टनर रहे सूर्या द्विवेदी। बहुत बहुत स्वागत है सूर्या जी आपका न्यूज नेशन में। दर्शकों की जानकारी के लिए सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि लगभग कितने वक्त से आप सुशांत सिंह राजपूत को जानते थे? जी, मैं 2006 में उससे मेरा परिचय हुआ जब वो मेरे रूम में आया, क्योंकि उनके जो जीजा जी हैं वो हमारे कॉमन फ्रेंड मिस्टर गुलिया हैं, उनके थ्रू मेरे कमरे पे आए थे। और 2006 से लेके धोनी तक मैं उसके टच में रेगुलर था। तब तक उसका नंबर नहीं बदलता था, धोनी के बाद उसके नंबर बदलने लगे बहुत बार, और जिसकी वजह से मैं उसको फिर ट्रेस नहीं कर पाया। तो धोनी तक वो मेरे टच में था, हम लोग एक दूसरे से व्हाट्सएप पे बातें भी करते थे और एक दूसरे की फिल्मों को प्रोत्साहन भी देते थे, बेस्ट ऑफ लक भी बोलते थे। तो इस तरीके से मैं उससे परिचय में था। आखिरी बार आपकी बात कब हुई सुशांत सिंह राजपूत से? जब उसकी MS धोनी रिलीज हो रही थी, उस टाइम पे उसने मेरे को अपना पोस्टर भेजा, बोला भैया मेरी ये फिल्म रिलीज हो रही है, आई नीड योर ब्लेसिंग्स। तो मैंने उसको बेस्ट ऑफ लक बोला और हम लोग की बातचीत हुई। मैंने कहा गॉड ब्लेस यू, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, यही फाइनल बातचीत हुई। उसके बाद कुछ दिन बाद मैंने उसका फ़ोन ट्राई किया तो वो लगा नहीं।
आपने कहा कि नंबर बदलते रहे सुशांत सिंह राजपूत के, क्या यही एक वजह थी कि सुशांत सिंह राजपूत से आपकी बात नहीं हो पाई, आपके पास मोबाइल नंबर उनका नहीं था, क्या ये एक बड़ी वजह थी, या फिर आप कॉल तो करते थे लेकिन कॉल अटेंड नहीं हो पा रहा था, कोई और अटेंड कर रहा था कॉल? जी नहीं, वो नंबर बदल गया था उनका एक्चुअली। मैंने बहुत कोशिश किया कि कनेक्ट हो पाए, लेकिन वो नंबर, उनकी मैनेजमेंट टीम भी जो उनको मैनेज करती थी वो भी बदल गई थी धोनी के बाद, तो उसके बाद मुलाकात भी नहीं हुई और बातें भी नहीं हुई। और ऐसा क्यों हुआ, क्या आपको वजह सामने नज़र आती है कि सुशांत सिंह राजपूत अपना नंबर बदल लेते हैं, सुशांत सिंह राजपूत की जो मैनेजमेंट टीम है वो बदल जाती है जैसा आप बता रहे हैं, और जो शख्स 2006 से लंबे वक्त तक आपके साथ रहा है वो ये ज़रूरी नहीं समझता कि आपसे एक बार कॉल कर सके? मेरे को ऐसा लगता है कि इंसान की जब सक्सेस आती है और सक्सेस चीज़ें बढ़ती हैं, नए लोग जुड़ते हैं, तो थोड़ा सा आदमी पिछले लोगों को थोड़ा सा ये कह लीजिए कि उनकी डिक्शनरी में जल्दी रिवाइव नहीं होता है या याद नहीं आती, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, बहुत कॉमन सी बातें हैं, इसके पीछे मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं ही पहला व्यक्ति था जिसने ये बात कही कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसको एक साल वो मेरे साथ पूरा रहा, 24/7 जी, तो जितना मैं उसको जानता हूँ वो बहुत अच्छा फाइटर था। दो दो घंटे वर्कआउट करता था मेरे साथ मार्शल आर्ट की क्लासेस में, हम लोग दो दो घंटे डांस करते थे। उसका एडमिशन मैंने नादिरा बब्बर जी की एक्टिंग स्कूल में करवाया था, तो थिएटर में भी वो बहुत काफ़ी समय देता था, और वहीं से नादिरा जी की क्लास से ही उसको पहला टीवी शो बालाजी का ऑफर हुआ, जो जिसमें वो सेकंड लीड था, सेकंड उसको पवित्र रिश्ता ऑफर हुआ, तो पवित्र रिश्ता तक वो और मैं साथ में रहते थे। उसके बाद उसने अपना फ्लैट, इंडिपेंडेंट फ्लैट ले लिया लोखंड वाला, और वो शिफ्ट हो गया, लेकिन हम लोग टॉकिंग टर्म्स में थे। मैं उसके सेट पर भी जाता था, मिलता था। एक बार मैं उसके से मिलने गया था, तब अंकिता से भी हेलो हाय हुई थी। ठीक है सूर्या जी, मैं जहाँ तक पढ़ पा रहा हूँ, इस तरीके का वो खुले दिल का इंसान था जी। कहिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जिस तरीके का वो खुले दिल का इंसान था, और जिस तरीके का वो फाइटर था, जुझारू आदमी था, और बहुत इंटेलिजेंट था, सबकी बातें सुनकर तब जवाब देता था, तो और एक साल में उसने कभी भी कोई डिप्रेशन वाली बात नहीं की। मम्मी को याद करता था, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि मम्मी को याद करके रो रहा है या वो सब चीज़ें हम लोगों के सामने कभी नहीं आई। ठीक है, वो डिप्रेशन टाइप का जो शब्द है ना, वो कभी मेरे सामने नहीं पड़ा। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, वो ये कि आपके हवाले से इस तरीके की जानकारी सामने आई है मीडिया में कि 13 जून को सुशांत सिंह राजपूत के यहाँ एक पार्टी हुई थी जिसमें वो बहुत ज्यादा खुश थे, अगर ये आपके हवाले से जानकारी आई है और ये सच है तो इसको लेकर भी दो तरीके के तर्क है। ये भी कहा जा रहा है कि ऐसी कोई पार्टी हुई नहीं थी दरअसल में। जी नहीं, पार्टी तो हुई थी क्योंकि हमारे जो कॉमन डांस मास्टर हैं गणेश उर्वरकर, उसके कुछ जानने वाले वहाँ थे और उनसे बातें भी हुई उसकी, तो उसने मुझे उसके मर्डर के बाद फ़ोन किया था कि यार कल तो उसने पार्टी किया, उसने सुसाइड कैसे कर लिया। तो मेरे को भी ये लगा सुसाइड, मतलब उसने जैसे ही ये बात मेरे सामने रखी, वैसे ही मुझे लगा कि नहीं, सुशांत सुसाइड नहीं कर सकता, उसकी लाइफ में कोई कमी नहीं थी, किसी तरीके का डिप्रेशन। माफ कीजिएगा सूर्या जी, आपको रोक रहा हूँ, आप इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि 13 जून की रात को सुशांत सिंह राजपूत ने एक पार्टी होस्ट की थी अपने घर पर, वो डिप्रेशन में नहीं थे? जी जी जी। और आप मेरे को ये बताइए कि ये एक आदमी अनार का जूस पीकर सुसाइड करने, मैंने तो नहीं देखा आज तक के इतिहास में इतने सुसाइड केस सुने, लेकिन एक आदमी अनार का जूस पी के और आधे घंटे बाद जाके सुसाइड कर लेगा? आई थिंक दिस इज नॉट पॉसिबल। और वो सुसाइड कर ही नहीं सकता, सुशांत सिंह और सुसाइड दोनों अपोजिट वर्ड हैं जी, एक पूर्व है एक पश्चिम है, वो सुसाइड नहीं कर सकता। मैं आप सो के उठाएंगे और पूछेंगे कि सुशांत ने सुसाइड कर लिया, मैं बिलीव ही नहीं कर सकता। सूर्या जी, कुछ और सवाल हैं जिनको आपसे समझने की कोशिश करेंगे, कई अहम जानकारी आप साझा कर रहे हैं न्यूज़ नेशन के दर्शकों के साथ, आप बने रहिए। लेकिन इन सब के बीच सुशांत की खुदकुशी केस की तफ्तीश कर रही मुंबई पुलिस और अब बिहार पुलिस के सामने केस से ताल्लुक रखने वाले किन किन लोगों ने क्या क्या गवाही दी है, ये पुलिस की फाइलों में बंद है। लेकिन आज हम आपको उन गवाहों के बयान और वो सवाल दिखा रहे हैं जिसमें आप अंदाजा लगा पाएंगे कि सुशांत की मौत की तफ्तीश किस दिशा में जाती दिख रही है।
सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी तीन हिस्सों में बटी थी। पहले हिस्से में उनका बॉलीवुड का चेहरा होता था, जिसमें उनके पास उठने बैठने वाले ज्यादातर चेहरे प्रोफेशन की वजह से उनसे जुड़े होते थे। दूसरे हिस्से की जिंदगी में उनके निजी रिश्ते थे, जिनमें उनकी लिविंग पार्टनर रिया चक्रवर्ती से लेकर उनके दोस्तों और निजी स्टाफ का दायरा हुआ करता था। तीसरे हिस्से में उनके घर परिवार और रिश्तेदार से जुड़े लोग होते थे, जिनमें उनकी बहनें और पिता के अलावा बाकी सगे संबंधी थे। सुशांत सिंह की मौत के बाद उनकी जिंदगी के तीन हिस्सों के लोगों ने सिर्फ एक सवाल उठाया है, और वो सवाल ये कि सुशांत सिंह सुसाइड नहीं कर सकते। सुशांत सिंह को करीब से जानने वालों के इस दावे में कितनी सच्चाई है, ये पूरी तफ्तीश और अदालत के फैसले पर निर्भर है। लेकिन सुशांत की मौत का सच पता लगाने के लिए उनके ये बयान भी अहम है। सुशांत खुदकुशी नहीं कर सकता, क्यों? ये व्हाइट बोर्ड देखिए। सुशांत की बहन का दावा है कि ये व्हाइट बोर्ड सुशांत सिंह के कमरे का है, और इसमें सुशांत के रूटीन का वो चार्ट है जिसे सुशांत सिंह 29 जून से फॉलो करने वाले थे। इसमें सुशांत ने लिखा था कि सुबह जल्दी उठना है और बेड सही करना है, किताबें पढ़नी, अच्छी मूवीज और सीरीज देखनी, गिटार सीखना है, वर्कआउट करना है रोज, अपने आसपास सफाई रखनी, गहन ध्यान करना है, सीखना है, अभ्यास करना है, दोहराना है। सुशांत की बहन का दावा है कि इस तरह उम्मीद भरी जिंदगी जीने की योजना बना रहे सुशांत अचानक अपनी जान नहीं दे सकते। सुशांत खुदकुशी नहीं कर सकता, क्यों? सुशांत सिंह के हाव भाव और जिंदगी को करीब से देखने वाले उनके बॉडीगार्ड ने कहा है, रिया के आने के बाद से सुशांत सर अक्सर बीमार रहने लगे थे। साहब बेहोशी जैसी हालत में सोते रहते थे, और रिया मैम अपने भाई और दोस्तों के साथ खूब पार्टियां करती थी। हालांकि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के पुराने बॉडीगार्ड से लेकर निजी स्टाफ तक को बाहर निकाल दिया था, लेकिन एक पुराना बॉडीगार्ड सुशांत के साथ फिर भी था। उनका कहना है कि अप्रैल 2019 में साहब रिया से मिले थे, उसके बाद वो यूरोप ट्रिप पर भी गए। उसके बाद जब सुशांत वापस लौटे तो तभी से वो बीमार रहने लगे थे। सुशांत पहले काफी एक्टिव रहा करते थे, जिम, स्विमिंग, डांस आदि करते थे, लेकिन उसके बाद से वो बेड पर ही रहने लगे थे। इसी बॉडीगार्ड ने कई बार सुशांत सिंह राजपूत के लिए वो दवाइयां लाई थी जिनके लिए उसे एक पर्चा दिया जाता था। बॉडीगार्ड ने कहा है कि दवा मंगाने पर केमिस्ट मुझसे पूछता था कि ये दवाइयां किसने मंगाई, मुझे लगता है वो दवाइयां जरूर खतरनाक किस्म की रही होंगी। बॉडीगार्ड का ये बयान काफी अहम है, क्योंकि मनोचिकित्सा में इस्तेमाल होने वाली दवाई बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिल सकती। तो सवाल है कि क्या सुशांत को ओवर द काउंटर लेकर दवाइयां दी जा रही थी? सुशांत खुदकुशी नहीं कर सकता, क्यों? सुशांत सिंह की जिंदगी को काफी करीब से देखने समझने वाली और सुशांत के साथ काफी वक्त गुजारने वाले उनके पूर्व प्रेमिका अंकिता लोखंडे ने भी सुशांत के साथ काफी पहले एक बातचीत का हवाला देते हुए बयान दिया है। सुशांत ने किसी के सुसाइड की खबर सुनकर कहा था कि मुझे कभी सुसाइड का ख्याल आया तो मैं 15 मिनट में उसे बदल दूंगा, मैं सुसाइड करने वालों को रोकूंगा। अंकिता, मैं सब ठीक करूंगा, मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगा। सुशांत खुदकुशी नहीं कर सकता, क्यों? सुशांत के साथ उनके घर पर रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी ने एक इंटरव्यू में बयान दिया, काश मैं जान पाता कि वो किस समस्या से गुजर रहे थे, उनका क्या इलाज चल रहा था। उनकी दवा रिया खुद नहीं लाती थी, मंगवाती थी। उन्हें 2 टैबलेट दिए जाते थे, मतलब एक ही घर में रहने के बावजूद किसी को ये पता नहीं लगने दिया गया कि सुशांत को क्या परेशानी और उन्हें कैसी दवाई दी जा रही थी। सुशांत खुदकुशी नहीं कर सकता, क्यों? सुशांत सिंह के ट्रेनर ने भी सुशांत सिंह की बदलती हुई जिंदगी को लेकर अहम खुलासे किए। एक इंटरव्यू में सुशांत के ट्रेनर ने कहा है, दिसंबर 2019 से सुशांत कुछ दवाइयां ले रहे थे जो कि मेरे लिए आश्चर्य की बात थी, क्योंकि सुशांत पहले दवाओं में कभी विश्वास नहीं करते थे। ये दवाइयां उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही थी। इसे खाने के बाद उन्हें काफी बेचैनी होती थी और उनका शरीर सुन्न पड़ जाता था। अब पुलिस को इन बयानों के मतलब, मकसद और सुशांत की मौत के रहस्य का पता लगाना है, ताकि सच सामने आ सके। मुंबई से विकास श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। तो देखिए, कई अहम सवाल हैं जिनके जवाब का इंतजार हर कोई कर रहा है। हमारे साथ सुशांत सिंह राजपूत के करीबी उनके रूम पार्टनर सूर्या जी जुड़े हुए हैं। सूर्या जी, जो सवाल रिया चक्रवर्ती की भूमिका को लेकर खड़े हो रहे हैं यहाँ पर, क्या आपको लगता है कि वो जांच के दायरे में जरूर आने चाहिए? कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द आकर खत्म हो जाते हैं। जी बिल्कुल आने चाहिए। उसके पीछे रीज़न ये कि पिछले एक साल से वो रह रही थी उनके साथ, सबसे पहला रीज़न ये था। और जिस तरीके के तथ्य सामने आ रहे हैं
उससे ये लगता है कि वो कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रही थी। और मैं इस सारे के पीछे एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारे देश ने एक यूथ खोया है, और आज का जो यूथ है हमारा वो डर गया है अंदर से। वो इंडस्ट्री में जाने से पहले सोचने लगेगा कि मैं ये कलाकार बनूं कि नहीं बनूं, क्योंकि सुशांत सिंह एक यूथ आइकॉन थे और जिस तरीके के वो अभिनेता थे हम लोग बहुत श्योर थे कि वो एक ये कह लीजिए कि वो इंडस्ट्री के नेक्स्ट शाहरुख खान बनते, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल फिल्में की और वो सोन चिड़िया में भी अच्छे लगे और वो धोनी में भी अच्छे लगे, वो दिल बेचारा में भी अच्छे लगे, वो ब्योमकेश बख्शी में भी अच्छे लगे। तो हमारे देश को एक यूथ के खोने का और हमारे आने वाले यूथ को बचाने के लिए मैं देशवासियों से, अपनी जितनी भी मीडिया दोस्त हैं उनसे, अपनी पुलिस से, चाहे वो बिहार की हो, चाहे वो मुंबई की हो, चाहे वो हमारे देश की हो, सबसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ वो जो यूथ है ना जो डर जाएगा, वो जो डर गया है, जो कि अब वो कलाकार बनने से पहले 10 बार सोचेगा कि मैं वहां जाके किस तरीके से रिएक्ट करूंगा अगर मेरे सामने कोई सिचुएशन। वो जो विश्वास का संकट है, वो जो डर है, वो डर खत्म होना चाहिए, जांच ईमानदारी से होनी चाहिए, रिया चक्रवर्ती से भी सवाल पूछे जाने चाहिए। ये बात सूर्या यहां पर कहें, जिन्होंने एक लंबा वक्त बिताया है सुशांत सिंह राजपूत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सूर्या जी आपका जुड़ने के लिए न्यूज नेशन पर। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जब से अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है तभी से रिया मीडिया के सामने नजर नहीं आई। हालांकि अब पहली बार सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती का बयान सामने आया है। अपने बयान में रिया चक्रवर्ती ने न्याय पर विश्वास जताया है। सुशांत सुसाइड केस में पहली बार रिया चक्रवर्ती ने दी सफाई। बार बार उठते सवालों के बीच सामने आई रिया। आरोपों से घिरी रिया ने दी सच्चाई की दुहाई। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मिस्ट्री में इस वक्त अहम किरदार है उनके गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, जिसके साथ सुशांत कभी पूरी जिंदगी बिता देना चाहते थे। आज उसे रिया पर सवालों की बौछार हो रही है। रिया पर सुशांत के करोड़ों रुपए के गबन के साथ साथ सुशांत को मानसिक रूप से परेशान करने से लेकर उन पर काला जादू करने का भी आरोप लगा है। सुशांत की मौत के करीब 1.5 महीने बाद उनके परिवार ने इन गंभीर आरोपों के साथ रिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसके बाद रिया पर सवाल उठने शुरू हो गए तो उन्होंने एक वीडियो जारी कर अपनी बात मीडिया और लोगों के सामने रखी। महज 20-22 सेकंड के इस वीडियो में सफेद सूट पहने रिया चक्रवर्ती ने ना तो अपने ऊपर उठ रहे सवालों का जवाब दिया और न ही किसी आरोप पर कोई सफाई पेश की। वीडियो में कुर्सी पर बैठी बेहद परेशान सी हालत में दिखाई दे रही रिया ने सिसकते हुए सिर्फ इतना कहा कि उन्हें भगवान और न्यायपालिका पर अटूट विश्वास है और उन्हें पूरा यकीन है कि सच्चाई सामने आएगी। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamev Jayate, the truth shall prevail. जिस रिया को अब तक हर किसी ने बेहद ग्लैमरस लुक में देखा उसे इस तरह देखना बेहद चौंकाने वाला था, लेकिन जिस तरह से रिया का बयान आया है उस पर एक बार फिर सवाल उठने शुरू हो गए, क्योंकि इस वीडियो को देखकर साफ समझा जा सकता है कि वो अपनी बात नहीं रख रही बल्कि सिर्फ एक बयान पढ़ रही है। रिया के इस वीडियो के अलावा एक और वीडियो सोशल मीडिया पर छाया रहा। रिया चक्रवर्ती का ये वीडियो सुशांत की बहन ने शेयर किया। हालांकि वीडियो कब का है ये तो पता नहीं चला, मगर इसमें रिया हाथ में मोबाइल लेकर टपोरी अंदाज में लोगों का मजाक बनाती दिख रही है। ये नंगा नाच करने लग गया क्या अपू भी ट्राई किया ऐसा नहीं है अपू नंगा नाच किया बहुत टाइम इंस्टाग्राम पे ग्रुप किया पर अपू को ऐसा लगा कि अपू का कंट्री रेडीज नहीं है आई शपथ ऐसा गंदा गंदा लड़का लोग अपू को मैसेज करने लगा अपू बोला अपू तुम्हारी ताई है इससे पहले अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर रिया ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि सुशांत सिंह डिप्रेशन में थे, मैं सुशांत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी, मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए, मुंबई में केस की जांच हो। रिया की इन दलीलों को सुशांत के परिवार के साथ साथ
उनकी पुरानी दोस्त और एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे भी खारिज कर चुकी है। आपको बता दें कि सुशांत की मौत के बाद अंकिता दो बार पटना जाकर उनके परिवार से मिली और सुशांत की मौत से पहले हुई उनकी बातचीत का पूरा ब्यौरा दिया, जिसके बाद ही उनके पिता ने रिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। अंकिता लोखंडे ने सुशांत के परिवार और मीडिया को जो कुछ कहा उसके मुताबिक सुशांत सिंह डिप्रेशन में नहीं थे, सुशांत एक जिंदा दिल इंसान थे। रिया ने सुशांत को बहुत परेशान किया। रिया के साथ रिश्ते से सुशांत खुश नहीं थे। बताया जा रहा है कि 14 जून को जब सुशांत की मौत हुई थी उससे दो दिन पहले ही रिया ने उनका घर छोड़ दिया था। ऐसे में सुशांत के परिवार के साथ साथ अंकिता लोखंडे भी बार बार ये पूछ रही है कि अगर सुशांत डिप्रेशन में थे, वो परेशान थे, तो रिया ने उन्हें इस हालत में अकेला क्यों छोड़ा। मगर फिलहाल रिया इन तमाम सवालों के जवाब देने से बच रही है, साथ ही पुलिस की पहुंच से भी दूर है। देखना होगा कि सीबीआई जांच की मांग करने वाली और न्याय व्यवस्था पर यकीन रखने वाली रिया पर अपने ऊपर लग रहे आरोपों का जवाब कब देती है। टी न्यूज़ नेशन।